वहीं चीता उबान को कूनो नेशनल पार्क रास नहीं आ रहा और वो बार बार कूनो छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भाग रहा है। एक बार फिर से उबान शिवपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया, ये रिपोर्ट आप देखिए। फिर कूनू से भागा चीता उबान, वन विभाग हुआ परेशान, कई गांवों में दहशत का माहौल। बार बार क्यों भाग रहा ओबान? चीता ओबान एक बार फिर कूनू छोड़कर भाग गया है। ऐसा लग रहा है कि ओबान को कूनू रास नहीं आ रहा है, इसीलिए वो बार बार कूनू नेशनल पार्क को छोड़कर भाग रहा है। इस बार फिर ओबान शिवपुरी के जौराई गांव में पहुंच गया है, जहां के खेतों में उसे ग्रामीणों ने देखा है। चीते की गाँव में दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। चीते को देखकर ग्रामीण घर में कैद हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ओबान की निगरानी में लगी हुई है। वन विभाग हर संभव चीता की सुरक्षा के लिए हर समय पर प्रयास कर रही है। इसका मूवमेंट जो इधर को बना रहता है वो बढ़ रहा है, तो सभी अधिकारियों को सूचना है और अधिकारी इस संबंध में बहुत ही गंभीर और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहा है और इसको जंगल के अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। वन विभाग के मुताबिक चीते के गले में लगी ट्रैकिंग आईडी से उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। चीता ट्रैकिंग टीम इंतजार कर रही है कि इस बार ओबान खुद ब खुद कूनू लौट कर आएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओबान कूनू से भागा हो। शिवपुरी के जौराई में फिर लौटा चीता ओबान। शनिवार रात ओबान की लोकेशन पार्क से बाहर मिली। सुबह से शाम तक ओबान कूनू से 30 किलोमीटर दूर जौराई में ही देखा गया। 1 अप्रैल की रात को भी कूनू पार्क से भागा था ओबान। विजयनगर इलाके के गोलीपुरा गांव में पहुंचा था चीता। बाड़े से निकलकर 15 किलोमीटर दूर पहुंचा था ओबान। रिहायशी इलाके में भागा था चीता ओबान। दरअसल ओबान कूनू नेशनल पार्क से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है। श्योपुर और शिवपुरी की सीमा लगी हुई है, इसीलिए वो ग्रामीणों के खेतों में बार बार लौट रहा है। फिलहाल रेडियो कॉलर के जरिए मॉनिटरिंग टीम ओबान पर नजर रखे हुए है। टीम के मुताबिक ओबान का रेस्क्यू नहीं किया जाएगा, प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अपने आप ही कूनू के अंदर पहुंच जाएगा। फिलहाल देखना होगा सुबह का लौटा ओबान क्या शाम को लौट कर कूनू आता है। शिवपुरी से के दुबे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।